नमस्कार, आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 36 की बात करते हैं। हम लोग क्रम से पाठ को पढ़ते आ रहे हैं। 1 से लेकर 35 तक पाठ को हमने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। आगे बनता रहेगा, आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। क्रम से पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए, हम लोग ग्रहों की बात कर रहे थे। पारिवारिक परिदृश्य में ग्रहों को समझा है। आज हम लोग शारीरिक अवयवों में ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो ज्योतिष के लिए अछूता हो। अर्थात कोई भी प्रश्न हो तो ज्योतिषियों को उसका जवाब देना चाहिए और अपने शास्त्रों से उसका जवाब प्राप्त करना चाहिए। हम कैसे अपने शास्त्रों से जवाब को प्राप्त करेंगे, उसी के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो शारीरिक अवयवों की बात कर लें और ग्रहों की बात करें तो सर्वप्रथम देखते हैं कि सूर्य को हमारे शरीर में कौन से ऐसे अवयव हैं जिसकी संज्ञा दी गई है। तो सूर्य से हम लोग हड्डी की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिना हड्डी के हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता, संतुलित नहीं रह सकता। तब हड्डियों को जानना ज्योतिष में जरूरी क्यों है? हम हमेशा कहते हैं कि एक चिकित्सक यदि ज्योतिष हों तो उनके लिए और आसान हो जाएगा अपने पद्धति में आगे बढ़ने का या रोगों को समझने के लिए। तो यहाँ जब हम सूर्य से हड्डी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हड्डी से संबंधित रोग के विषय में जानकारी हमें कौन देगा? तो सूर्य देगा। अगर हड्डी हमारा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, हमारे शरीर में हमारा हड्डी कमज़ोर है, या फिर किसी चोट एक्सीडेंट में क्या हमारा हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, या हमें घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है, तो उसका भी एक कारण हड्डी होता ही है। तो शरीर में हड्डी हमारी संरचना को सुदृढ़ बनाए रखने में सक्षम है। उसी तरह से ज्योतिष में हम सूर्य से हड्डी की बात करते हैं। अब सूर्य के गुण स्वरूप में देखिए हड्डी क्यों आया, इसको भी कभी हम लोग फलित सिद्धांत में पढ़ेंगे। अब सूर्य से हड्डी की बात हो गई, अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। हम पहले भी जान चुके हैं चंद्रमा मन है, तो मन के आधार पर हम सारे प्रश्नों का जवाब चंद्रमा से देते हैं। आज शारीरिक अवयवों में चंद्रमा को किसकी संज्ञा प्राप्त है? तो रक्त की। हमारे ज्योतिष में बड़ा भेद है और भेद स्वतः उत्पन्न होता है। आप पराशर ज्योतिष के 10 पेज पढ़ेंगे तो हम अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं ये सारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोई जहमत नहीं उठाते या कोई प्रयास नहीं करते। हम जो बोल रहे हैं उससे सुन के ही सीख जाएंगे। कोई ज्योतिष टीवी में बोल रहा है उससे सुन के सीख जाएंगे, या और कहीं किसी ने किताब लिख दिया है 100-200 पेज का तो हम उसको पढ़ के सीख जाएंगे। ये कभी मत सोचिए। हम भी पढ़ा रहे हैं, आप हमको भी सुनिए, लेकिन स्वाध्याय जरूरी है। और जब स्वाध्याय करेंगे तो स्वयं आपको पता चलेगा कि हम कितने सच और कितने झूठ बोल रहे हैं। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हमारा प्रयास है कि हम छोटी छोटी बातों की भी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो अब चंद्रमा में से रक्त की बात हो रही है, और हमेशा ज्योतिषियों को देखेंगे रक्त का चर्चा होते ही मंगल पे चले जाएंगे। अब फिर अगर आप जानकार हैं बोलिएगा कि नहीं रक्त के लिए तो हम लोग चंद्रमा किसे बात करते हैं, तो फिर वो कहेंगे कि नहीं जी खून लाल होता है, मंगल लाल है, ऐसे ऐसे तथ्य आपको समझाने लगेंगे जो आपके समझ से परे होगा। हम हमेशा कहते हैं तर्क से ज्योतिष को समझिए, लेकिन ऐसे कुतर्कों से बचना भी होगा। अब रेड सेल और वाइट सेल की भी बात बड़े बड़े विद्वान कर लेते हैं। अब जब रेड सेल और वाइट सेल की बात आएगी तब फिर हम लोग चिकित्सा ज्योतिष हम आपको ज़रूर बताएंगे, वहाँ पर इसको और अच्छी तरह से समझना होगा। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे कि रक्त और चंद्रमा। आप साधारण में समझिए कि चंद्रमा तीव्रगामी ग्रह है। सबसे तीव्रगामी ग्रह ग्रहों में यदि कोई है तो वो चंद्रमा है।
ये जान लिया। आगे हम लोग मंदगामी तीव्रगामी को भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझिए हम कुछ और समझाना चाहते हैं। और हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ही सबसे तेज गति से होता है, हम जिस गति से सांस लेते हैं उससे भी तेज गति से, माइक्रोसेकेंड में कहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि अब चंद्रमा तीव्रगामी ग्रह है, मंगल नहीं, मंगल 45 दिनों में राशि परिवर्तन 30 डिग्री चलता है, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में चल जाता है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से कौन दौड़ता है, तो चंद्रमा दौड़ता है। हम एक छोटी सी घटना बताते हैं, या आप किसी भी घटना की बात समझिए कि यदि आप कहीं बैठे हैं और कोई खुशी का समाचार मिलता है तो आप अचानक से प्रसन्न हो जाते हैं, और दुख का समाचार प्राप्त होते ही आप दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। इसका कारण क्या है? ये सब कुछ ये ब्लड के सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मन मेरा इतना जल्दी विचलित हो जाना और प्रसन्न हो जाना, ये रक्त के ही प्रभाव के कारण संभव हो जाता है। तो हम मन से भी देखते हैं कि कितना जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ भटकते हैं, कैसे अभी तुरंत प्रसन्न थे तुरंत रोने लगते हैं, तुरंत बहुत अच्छे मुद्रा में थे तुरंत चिल्लाने लगते हैं। तो ये परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न होती है? तो रक्त के संचार के ही कारण से ये उत्पन्न होता है। अब हम लोग यहाँ चिकित्सा ज्योतिष में अधिक ध्यान देंगे, यहाँ हम लोगों ने समझा कि चंद्रमा रक्त के कारक ग्रह है। अब रक्त से संबंधित जो भी पीड़ा हो, लोग हाई बीपी के लिए मंगल को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि वहाँ से आपको अधूरा ही रिजल्ट प्राप्त आएगा। जब तक आप चंद्रमा को नहीं देखेंगे तब तक आप हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को नहीं समझ पाएंगे। तो चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी है। अब हाई ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए सूर्य को भी देखना होगा, ये सब हम लोग चिकित्सा ज्योतिष में पढ़ेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि डायबिटिक हैं आप, या किसी का ऑपरेशन होता, चाहे माइक्रो सर्जरी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ रक्त का संचार, या कहते हैं रक्त जरूर किसी न किसी रूप में निकलता है, तो इसलिए जब ऑपरेशन की बात आती है तो वैसे में भी चंद्रमा को देखा जाता है। तो खून से संबंधित, रक्त से संबंधित कोई भी पीड़ा हो या कोई भी प्रश्न हो, तो उसके लिए हम लोगों को क्या देखना होगा? तो चंद्रमा देखना होगा। हम इसलिए अलग अलग आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कभी रटना न पड़े और बहुत आसानी से याद हो जाए। अब हम लोग चंद्रमा के बाद मंगल की ओर बढ़ते हैं और मंगल से बात करते हैं कि मंगल शारीरिक अवयवों में किसके कारक हैं। तो मंगल बल के कारक हैं और बल हमारे मांसपेशियों में होता है। तो मंगल किसके कारक हो गए? मांसपेशी के। अब मसल्स, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को मांसपेशी कहते हैं हिंदी में। अब आप देखते हैं कि लोग जिम जाते हैं, वहाँ अपना मसल तैयार करते हैं। सबका मसल तैयार हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं, सबके पास मसल पावर हो ये ज़रूरी नहीं। किसी के पास दिमाग में शक्ति होता है, कोई किसी को कहते हैं ना बौद्धिक ताकत है, किसी के पास अर्थ की ताकत होती है, धन की ताकत होती है, और किसी के पास अपने बाहुबल की ताकत होती है। तो वो जो बाहुबल की बात होगी वो मंगल से होगी। अब मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, अगर किसी भी तरह का चोट एक्सीडेंट होता है तो चलिए उसमें तो शरीर के सारे अंग टूट फूट हो सकते हैं, लेकिन विशेष कौन प्रभावित हुआ? क्या सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, या फिर सिर्फ हड्डी टूट के रह गया, या कहीं चोट नहीं लगा लेकिन मेरा नर्वस सिस्टम बिगड़ गया, है ना? प्रश्न कितने साधारण है लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल है। अगर हड्डी टूट के रह गया तो सूर्य को समानांतर रूप में देखेंगे चोट एक्सीडेंट के साथ साथ, और अगर रक्त बहुत निकल गया उसकी वजह से जान चली गई तो चंद्रमा कारक हो सकता है, या जान बच भी गई लेकिन रक्त बहुत निकला और हमारे मसल्स में बहुत खिंचाव हो गया तो मंगल कारक हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी संदर्भ में हम समझ सकते हैं। प्रश्न एक ही है कि अगर मसल से रिलेटेड प्रश्न आता है तो हम लोगों को मंगल देखना चाहिए या नहीं। यदि हम मंगल देखते हैं तो कोई गलती नहीं करते। आगे बढ़ते हुए अब बुध की बात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं बुध
शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ, और ये बुद्धि के कारक ग्रह कहे गए हैं। ये परिवर्तनशील है, शुभ के साथ अशुभ हो जाता, अशुभ के साथ अशुभ हो जाता। और यहाँ पे हम शारीरिक अवयवों में यदि बात कर लें तो इससे हम लोग त्वचा की बात करते हैं। अब ये त्वचा अर्थात आप समझ सकते हैं स्किन, हमारे शरीर में जो स्किन है इसके कारक ग्रह बुध हैं, और स्किन सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। हम सभी जानते हैं कि स्किन के रोग का ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत दिनों में ठीक होता है, कभी कभी ठीक नहीं होता, जन्म जात हो जाता है तो फिर रह जाता है। तो बुध से स्किन की बात होगी। प्रश्न में किसी भी तरह स्किन से समस्या हो या बुध की दशाओं में स्किन में प्रॉब्लम हो जाए तो ये संभव है, या स्किन में प्रॉब्लम है और बुध की दशा में ही क्या ठीक होना है। हम हमेशा कहते हैं अगर दुख नहीं है तो सुख है, दुख को जो समाप्त करता, सुख की जो अनुभूति कराता, वो एक ही ग्रह हो सकता है। वो अपने बुरे प्रभावों को देना बंद कर दिया तो शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगेंगे, और सारे ग्रह देवता हैं हम सभी मानते हैं, तो कोई भी हमारा अहित नहीं चाहता। ये कर्मों का फल है जो हम भोगते हैं, और उसको समझने का प्रयास हम ज्योतिष से करते हैं। तो बुध से त्वचा की बात होती है। अब मान लिया जाए, हम आपको एक्सीडेंट का ही उदाहरण दे रहे थे, तो हमारा बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सीडेंट होता है, और हमारे शरीर में कुछ नहीं होता, जगह जगह त्वचा छिल जाते हैं। तो अब इसके लिए हमको एक्सीडेंट के कारण का तो पता अष्टम बताएगा, लेकिन हमारे शारीरिक अवयवों में क्या परेशानी होगी, उस एक्सीडेंट में क्या पीड़ा हमें होगी, कौन से अवयव हमारे क्षतिग्रस्त होंगे, इसकी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। इसीलिए ग्रहों को बहुत आसानी से पढ़ना चाहिए। तो सूर्य हड्डी के, चंद्रमा रक्त के, मंगल मांसपेशी के, बुध त्वचा के अर्थात स्किन के, ये बोन, ये ब्लड, ये मसल्स और ये स्किन। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे गुरु शुक्र और शनि के विषय में। आज इतना ही, क्रम से पाठ पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा।